श्वास लेने में कितना कष्ट हो रहा था, कितने समय से अंदर था, मेरे प्राण निकल जाते तो। अरे हमने थोड़ी ना कहा था आपको बक्से में बंद होने के लिए। पहले तो मैंने कार्य शीघ्र संपन्न करने के लिए कहा था ना। पंडित रामकृष्णा, ये आपका पारिवारिक विवाद आवास में जाके कीजिएगा, ये हमारा राज दरबार है। क्षमा करें महाराज। पंडित रामकृष्णा, सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि आप इस बक्से के भीतर क्या कर रहे थे। महाराज, पहले आप इनसे ये पूछिए कि पारस मणि संदूक के अंदर क्यों नहीं। हाँ गुरुवर, आप कुछ कह रहे थे। हम कह रहे, हाँ हम कह रहे थे कि महाराज ये पंडित रामकृष्णा हम सबको धोखा दे रहे हैं। वचन देने के पश्चात भी पारस मणि लेकर नहीं आए और पारस मणि के स्थान पर खुद बैठ कर चले आए। गुरुवर, मैं पारस मणि लाता कहाँ से, मेरे पास पारस मणि तो कभी था ही नहीं। अरे मेरे पास तो क्या, पारस मणि जैसी वस्तु होती ही नहीं है, सब काल्पनिक है। क्या कह रहे, हमने जो स्वयं अपने नेत्रों से देखा वो क्या पंडित रामकृष्णा। अच्छा आप बताइए, आप कुएं में स्वर्ण मुद्राएं फेंक रहे थे कि नहीं फेंक रहे थे। फेंक रहा था। आप लोहे की मुद्राओं को स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। कर रहा था। कर रहे थे, देखा महाराज, मान गए। हाँ पंडित रामकृष्ण, हमने भी स्वयं हमारे नेत्रों से देखा, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं बिखरी हुई थी, वो सब कहां से आई कृपया बताइए। मंत्रीवर, लोहे की इस मुद्रा को तो स्वर्ण मुद्रा में मैं अभी भी परिवर्तित कर सकता हूँ, उसके लिए पारस मणि की क्या आवश्यकता है। अभी लीजिए। इस संदूक में क्यों चली गई? देखा महाराज, देखा देखा, हमने कहा था ना हमने, ये देखिए। महाराज, मैंने लोहे की मुद्रा को स्वर्ण मुद्रा में किसी पारस मणि की सहायता से परिवर्तित नहीं किया है। फिर किसे किया? ये तो सुनहरे रंग का प्रताप है। सुनहरे रंग का प्रताप, अर्थात? अर्थात ये देखिए महाराज, लोहे की मुद्रा पर थोड़ा सा सुनहरा रंग लगा दिया और हो गया। ये सब इधर आ, ये इस गुंडप्पे की खोज है महाराज। हाँ हाँ ठीक है, मिली खोज है। चुप कर, मिली खोज है। गुरुजी हम तो कह रहे थे किंतु अब सुनते ही नहीं, करवा दिया ना सदैव की तरह दरबार में अपना अपमान। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरुवर और महामंत्री ने आपको नकली मुद्राओं के साथ देखा। जी महाराज, गुरुवर ने मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं कुएं में फेंकते हुए देखा था, जो गुंडप्पे ने अपने खेलने के लिए बनाई थी। महाराज, महाराज यदि हमारे स्थान पर कोई और भी होता तो उसे भी ऐसा ही प्रतीत होता कि पंडित रामकृष्णा के हाथ स्वर्ण मुद्राओं का भंडार लग गया है। महाराज, ये पारस मणि का सुझाव इन दोनों मूर्खों धनी मणि ने हमें दिया और महाराज हम तो मात्र विजयनगर के कल्याण के लिए ही पारस मणि के पीछे पड़े थे। जी गुरुवर, हम समझते हैं किसी को भी भ्रम हो सकता है। अब हम समझे कि वो पत्थर केवल चटनी बनाने के काम आ सकता है। कौन सा पत्थर महाराज? कुछ नहीं, हमें भी भ्रम हो गया था। आप पत्थर का विषय छोड़िए, पंडित रामकृष्ण आप ये बताइए कि आपने छोटी महारानी जी से वो उपहार लेने के लिए मना क्यों किया? हाँ कारण बताइए पंडित रामकृष्ण, हम भी कारण जानना चाहते। महाराज मैं तो उसी समय आपको बताना चाहता था किंतु आपने बताने का अवसर नहीं दिया। उचित, अब हम आपके अवसर देते हैं, बताइए। जी महाराज। महाराज, धन एक ऐसी वस्तु है जो जितना भी मिले अल्प ही लगता है। मुझे भी इस बात की अनुभूति हुई कि अब इस लोभ को या किसी भी वस्तु की अति को पूर्ण विराम लगाना चाहिए। अत्यधिक धन
अपने साथ अत्यधिक समस्याएं लेकर आता है महाराज। हमें ज्ञात ही नहीं होता कि धन का लोभ कब हमारे हृदय में स्थान बना लेता है। मुझे भी समय रहते इस बात का आभास हुआ महाराज के मैं लोभी हो रहा हूं और मुझे इस त्रुटि को वश में करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस कारणवश मैंने धन की पोटली को अस्वीकार कर दिया। अम्मा, अवश्य ये अपरोक्ष रूप से हमारे लिए कह रहे हैं। अब समझ में आया? हाँ। पंडित रामकृष्णा। महाराज। वहाँ शारदा देवी के साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं? कुछ नहीं महाराज, मैं तो बस आपका धन्यवाद कर रहा था, आपने पारसमणि जैसी दुर्लभ वस्तु के स्थान पर मेरा चयन किया। ये आपने कैसे सोच लिया पंडित रामकृष्णा? हमने तो पारसमणि का ही चयन किया है। ये जो यहां उपस्थित है उस पारसमणि का चयन। जी हां, आप ही की बात कर रहे हैं। देख लिया रामा, मेरा मूल्य महाराज को ज्ञात है। वैसे पंडित रामकृष्ण, सत्य तो ये भी है कि आपके पास भी एक पारसमणि है। आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क किसी पारसमणि से कम नहीं है। अति उत्तम महाराज, पंडित रामकृष्ण का मस्तिष्क भी हमारी तरह पारसमणि के समान है। अवश्य गुरुवर, अवश्य। मनी, अगर बुड्ढे के मस्तिष्क को खोले भी ना तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मिल सकता है कपट, लोभ, पाखंड और हाँ, सौदामनी। पंडित रामकृष्ण, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके निवास की तलाशी ली। कोई बात नहीं मंत्रीवर, आप तो केवल अपना कार्य कर रहे थे। वैसे शारदा कई दिवस से कह रही थी कि घर की सामग्री हटाकर स्वच्छ करना है, ये कार्य आपके सैनिकों ने ही संपूर्ण कर दिया। अन्यथा वो कार्य भी आप ही को करना पड़ता। नहीं, वो क्या है कि हमने स्वयं देखा है आप घर में झाड़ू तो लगाते ही हैं। रामा, बहुत सम्मान मिल रहा है, अति किसी वस्तु की अच्छी नहीं होती। गुरुजी बताइए तो सही कि समय बिना किसी कारण महाराज के पास क्यों जा रहे हैं हम? तुम नहीं समझो। अरे समझाइए ना गुरुजी, हम इतने भी मूर्ख नहीं जितने दिखते हैं। और तुम जितने दिखते हो उससे अधिक मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते, प्रश्न मत करो और चुपचाप हमारे साथ चलो। देखो, आते जाते महाराज को प्रणाम करते रहेंगे तो महाराज के प्रिय व्यक्ति की सूची में ऊपर 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 रहेंगे। अरे पंडित रामकृष्ण, ये ऐसे क्यों भाग रहे? ये तो ऐसे भाग रहे जैसे इनके पीछे कोई भूत पड़ा। मन ये देख, ये है हमारे महान विद्वान निडर गुरुदेव जो कि खड़कते द्वार को खड़कते देखकर स्वयं भी खड़खड़ा रहे हैं। धोती धोती संभालिए गुरुजी, डर के कारण ये भी फिसल रही है। मूर्ख, हमारी धोती तो केवल फिसल रही, तुम्हारी तो भय के कारण गिर जाएगी। इस खड़कते द्वार का सत्य जानकर क्या ये इंद्रवक्षी द्वार है? इसके भीतर जो है वो अंदर जाने वाले को बाहर नहीं आने देता है। क्या क्या उपहास कर रहे हैं गुरुजी, कुछ भी। बाबा जी, 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 ब
गुरुजी। हमने तुम्हें सतर्क किया और तुम हम पर आक्रमण करके हमें भयभीत कर रहे हो। हमने कुछ नहीं किया गुरुजी। चुप मूर्ख, तुमने ऐसा प्रयास किया ना तो खड़कते द्वार के भीतर डाल देंगे। देखा गुरुजी, कहा था ना कि हमने कुछ नहीं किया, कि तुम आप है कि हम पे विश्वास ही नहीं करते। किसने किया ये तुम साथ? जो है गुरुवर फंस गए उसके चक्कर में। खेलाना मुन्ने से पूर्वी भयभीत हो गए। महाराज के साले साहब, आप? हाँ, हम वासुदेव। ये कहां से आटपका? इससे अच्छा तो भूत यक्ष का नरभक्षी भूत ही आ जाता। सत्य गाधन, एकदम सत्य। भयभीत मत होइए, आनंद आएगा आपके साथ पिट्टू का खेल खेलने में। पंडित रामकृष्ण ने हमें सब कुछ बता दिया है। पंडित रामकृष्ण ने सब बता दिया? क्या बता दिया? यही कि महल में आप जैसा महारथी कोई नहीं है पिट्टू के खेल में। ये तो सत्य कहा पंडित रामकृष्ण ने, हम महारथी हैं। पिट्टू का खेल होता है? मुझे नहीं पता गुरुजी, आप ज्ञानी हैं, आपको पता है। गुरुजी मैं बताता हूँ, पिट्टू के खेल में सबसे पहले गेंद से पत्थरों के ढेर पर लक्ष्य साधा जाता है, तत्पश्चात खिलाड़ियों की पीठ पर लक्ष्य साध कर उन्हें गेंद मारकर उन्हें ढेर किया जाता है। इसका आभास तो हमें हो चुका। खेलेंगे ना आप पिट्टू हमारे साथ? अवश्य खेलिए, परंतु पंडित रामकृष्ण महारथियों के महारथी हैं पिट्ठू के खेल में। पंडित रामकृष्ण कहाँ जा रहे हैं आप? आई 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 मैं आइए और बालक के साथ पिट्ठू खेलिए। ना 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 ना, ना। महाराज के साले साहब हैं, मना नहीं कर सकते हैं। इन्हें अपनी कला सिखाओ। हाँ हाँ, अवश्य सिखाऊंगा गुरुवर, किंतु मैं तो केवल खेलना जानता हूँ और सिखाने में आपसे श्रेष्ठ और कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तो आपके पास दो दो शिष्य हैं। ना 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 गुरुवर, महाराज के साले साहब को मना नहीं कर सकते, और फिर आप तो राजगुरु हैं, सिखाना तो आपका धर्म है। हाँ, पंडित रामकृष्ण सही कह रहे हैं। हाँ? अब तो आपको मुझे खेलना सिखाना ही होगा, अन्यथा। अन्यथा क्या गुरुजी? इस अन्यथा का गुप्त संदेश समझ रहे हैं गुरुजी? महाराज की तलवार और आपका आशीष गए। अच्छे फंसे गुरुजी। तो बताइए ना गुरुवर, आप सिखाएंगे ना इस भोले भाले बालक को? ये और भोला बालक गुरुवर? हाँ हाँ, कितना भोला बालक है। सिखाएंगे सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, अवश्य सिखाएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है। देखा आपने वासुदेव कुमार, हमारे गुरुवर कितने महान हैं, अब तो ये आपको पिट्ठू के दांव सिखाए बिना यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। और हम इन्हें हिलने देंगे भी नहीं जब तक ये हमें अपनी तरह सशक्त नहीं बना देते। बहुत अच्छे। अरे अरे, धोती संभाल के खेलिए गुरुजी, आपकी टांग धोती में फंसेगी, आप मुंह के बल। गुरुवर बताइए ना, खेल सीखने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा? सर्वप्रथम तो अब सर्वप्रथम हमें लक्ष्य साधने के लिए लक्ष्य ढूंढना होगा। लक्ष्य ढूंढना होगा। लक्ष्य ढूंढते हैं, ढूंढना होगा लक्ष्य। पंडित रामकृष्ण, लक्ष्य
यदि ये गेंद इस नरभक्ष कक्ष में चली गई तो सारी बला से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, चल शीघ्रातिशीघ्र शीघ्र निकल चलते। ये आप लोग क्या खाना खुशी कर रहे हैं? हम तो आपको सिखाने के लिए उत्तम उपाय और उत्तम लक्ष्य ढूंढ रहे थे। लक्ष्य मिल गया। जो कि हमें मिल गया है वो देखिए, वो देखिए, वो दीवार पर बना छिद्र दिखा, वही आपका लक्ष्य है। हाँ, और ये गेंद उस छिद्र में प्रविष्ट करनी चाहिए। बस वही देखते रहिए, आपकी दृष्टि मात्र अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए और आप इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे। हाँ, और जैसे जैसे आपकी एकाग्रता एकदम बढ़ जाएगी तब आपको केवल अपना लक्ष्य और अपनी गेंद ही दिखाई देगी। हाँ, हाँ, और आपका ध्यान इतना केंद्रित हो जाएगा, इतना केंद्रित हो जाएगा कि आपके साथ खड़ा मैं भी दिखाई नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दिखूंगा, केवल गेंद और लक्ष्य दिखेगी और कोई नहीं दिखेगा। नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात हमारा ध्यान में एकाग्रता बढ़ रही है। अब आप गेंद अपने हाथ में पकड़िए और उस छिद्र को देखते रहिए। जैसे ही आपका ध्यान बढ़ेगा उसके पश्चात हम भी आपको दिखाई नहीं देंगे। देखते रहिए, ध्यान बढ़ाते रहिए। दोनों नहीं दिखाई दे रहे, अर्थात हम इस क्रीड़ा में पारंगत हो गए हैं। बच गए धनी मिमी, बच गए। देखा देखा हम कितने चतुर हैं, कितनी चतुराई से बचकर निकल आए। परंतु बालक कैसे बचेगा गुरुजी? अर्थात गुरुजी आप उसे खड़कते द्वार के पास छोड़ आए, कहीं वो बालक द्वार के अंदर प्रवेश कर गया तो। हम गेंद लेकर आते हैं और पुनः प्रयास करते हैं। गुरुवर, आसू से बचने के प्रयास में उसे वहां छोड़ तो आए हैं, किंतु यदि वो उस खड़ते द्वार के अंदर चला गया तो। अरे पंडित रामाकृष्ण, वो कोई चूहा है जो बंद द्वार में प्रवेश कर जाएगा। हाँ, वो गंदी सी गेंद जाएगी बंद द्वार में, हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे हमने कहा ना कुछ नहीं होगा बालक को, अब चलो चलो। कुछ तो हो गया है, हम देखते हैं। हे भगवान, ये बालक तो कहीं दृष्टिगत नहीं हो रहा है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? मुझे दिख रहे हैं। कहाँ? वहां कैसे पहुंच गया? आपकी कृपा से, आपने उसे यहाँ अकेला छोड़ा था ना? नहीं पंडित रामाकृष्ण, तुमने उसे वहां लक्ष्य साधने के लिए कहा था। नहीं गुरुवर, आपके कारण, आपने ही उस छिद्र को लक्ष्य बनाने का उपाय दिया था। पंडित रामाकृष्ण, हाँ। ये अपराध तो हम दोनों पर आएगा। महाराज को तो बताना पड़ेगा ना। क्यों 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 बताना पड़ेगा? हाँ। भूल गए वो मुर्गी? मुर्गी? चोर पकड़ा जाए और रूपपति अपने पास आ जाए तो उस चोर को मृत्यु दंड देंगे। अब विचार कीजिए, बालक लुप्त हुआ है, महाराज का साला लुप्त हुआ है, बड़ी महारानी चिन्ना देवी का प्रिय भ्राता लुप्त हुआ है। विचार कीजिए हम दोनों की क्या दशा होगी। परंतु गुरुवर, परंतु कुछ नहीं पंडित रामाकृष्णा। देखो ना तुम कुछ कहना ना हम कुछ कहेंगे,
पर तो महाराज को तो ज्ञात हो ही जाएगा ना कि बालक लुप्त हो गया है। ज्ञात होगा तो सैनिकों को भेजेंगे, बाहर निकलवा लेंगे। तो मोतिया कक्ष है, यदि उस बालक को कुछ हो गया तो? पंडित रामकृष्णा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। गुरुजी, कुछ समय पहले तो आप कह रहे थे कि इस भूतिया कक्ष में जो जाता है वो वापस नहीं आता। मूर्ख तुम दोनों, चुप रहो। पंडित रामकृष्णा, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। हाँ 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 गुरु भाई, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। हाँ, सत्य है पंडित रामकृष्णा का, भूत भूत कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। अब तो चलें। चलिए। हाँ चलो। चलिए चलिए। ये उचित नहीं किया गुरुजी आपने। एक अबोध बालक के साथ आपने? अबोध? अबोध ना सही गुरुजी, बालक तो था। उस बालक को आपने मौत के मुंह में ढकेल दिया। हमने? हाँ आपने, और बालक भी कौन, महाराज के प्रिय साले साहब। महारानी का प्रिय छोटा भ्राता, महाराज को भी ज्ञात नहीं है। गुरुजी अभी ज्ञात नहीं है, किंतु कभी न कभी तो ज्ञात होगा ना। कब तक गुप्त रखेंगे महाराज से ये रहस्य? महाराज को ज्ञात हो गया तो ना जाने क्या होगा आपका। क्या होगा? बालक की सुरक्षा का प्रश्न है, बताना तो पड़ेगा ही। क्या होगा बालक का? बालक? किसका बालक? कौन सा बालक? हमें तो हमेशा से ये संदेह था। हे भगवान उठा लो। शारदा, इसे बता दिया तो ये अम्मा को बता देगी। अम्मा से गुंडप्पा को पता चलेगा, गुंडप्पा तो पूरे नगर में ढिंढोरा पीट देगा। चुप बैठने में ही भलाई है। आते हैं, आज स्वयं ही मौन कर लिया। बताइए बताइए क्या बात है? आज मुझे मौन ही रहने दो शारदा, अन्यथा पता नहीं महाराज क्या करेंगे। क्या करेंगे? अरे महाराज कठोर से कठोर दंड ही तो देंगे आपको। मेरे विचार से फांसी नहीं देंगे। सत्य वचन, हम राजगुरु जो हैं। हाँ, इतना विशाल अपराध जो आपने किया है, फांसी का दंड छोटा होगा। मेरे विचार से हाथियों के पैरों से कुचलवा देंगे आपको। भयभीत होने की तो आवश्यकता ही नहीं है गुरुदेव, आपको ज्ञात भी नहीं होगा। आप नीचे शीश रखेंगे, हाथी ऊपर पांव रखेगा, खड़क की आवाज आएगी और आपका शीश नारियल की भांति फूटेगा। आप परलोक सिधार जाएंगे गुरुजी। हे भगवान। गुरुवर प्रणाम। प्रणाम। महाराज ने आपको दरबार में शीघ्र उपस्थित होने का आदेश दिया है। महाराज का तंदे थे, अभी के अभी लाज महल पहुँचना है। महाराज आप ही बताइए कि कुमार वासुदेव कहाँ लुप्त हो गए। महाराज हम उन्हें शीघ्र ढूंढ के लाएंगे। इतनी क्या शीघ्रता है मंत्रीवर? महाराज इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं मंत्रीवर? कहीं कोई त्रुटि हो गई तो? हमें कुमार वासुदेव अत्यंत प्रिय है बता रहे हैं हम। आप निश्चिंत रहिए महाराज, कोई त्रुटि नहीं होगी। आप सिर्फ ये बताइए कि वो कहाँ लुप्त हो गए थे, हम स्वयं उन्हें ढूंढ के लाएंगे महाराज। अद्भुत, तो खड़कते हुए द्वार वाले उस नरभक्षी कक्ष में हैं कुमार वासुदेव। जाइए जाइए और लेकर आइए उन्हें। कोतवाल जी मंत्रीवर, जाकर शीघ्र कुमार वासुदेव को ढूंढ के लाइए। मैं? कोतवाल कौन है? मैं तो ढूंढेगा कौन? मैं। सैनिको, शीघ्रता से उस बालक को ढूंढ कर लाओ। सैनिको, आप सभी को ज्ञात है कि क्या हुआ है, समस्या कितनी गंभीर है। ये प्रश्न हमारे कुमार वसुदेव का है, हमारे वसुदेव का। और अब हमें प्रतीत होता है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। उस खड़कते हुए द्वार को खोलने के अतिरिक्त, परंतु प्रश्न यह है कि उस कक्ष में यहां से आज तक कोई भी लौट कर पुनः नहीं आया है, उस कक्ष में जाएगा कौन?
प्रतीत होता है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। उस खड़कते हुए द्वार को खोलने के अतिरिक्त, परंतु प्रश्न यह है कि उस कक्ष में, यहां से आज तक कोई भी लौटकर पुनः नहीं आया है, उस कक्ष में जाएगा कौन? महाराज आप कहां विश्वास करते हैं इन कहीं सुनी बातों पर? कथन तो सत्य आपका गुरु है। ये सब तो मिथ्या है महाराज, भ्रम है। आपका महल है महाराज, बाल्यकाल से इस महल के चप्पे चप्पे को आप जानते हैं। राजकुमार को ढूंढ लाना तो आपके लिए चुटकी बजाने जैसा है। आप महाराज हैं महाराज जी। हम महाराज हैं और इसीलिए तो परीक्षा लेना चाहते हैं आप सभी की, कि कौन है हमारे दरबारियों में से वो बहादुर व्यक्ति जो उस कक्ष में जाएगा, हमारे कुंवर वसुदेव को वहां से वापस लेकर आएगा और ये सिद्ध करेगा कि अब तक उस भूतिया कक्ष के बारे में हमने जो कुछ भी सुना है वो मिथ्या है, वो भ्रम है। कौन है? तो महाराज इस परीक्षा देने का ये अवसर हम सर्वप्रथम पंडित रामकृष्ण को देते हैं। है? हाँ। अच्छा तो फिर ठीक है, बताइए महान ज्ञानी कौन, आप या हम? हम। अंतर्यामी कौन, आप या हम? हम। दूरदर्शी कौन, आप या हम? हम। अधिक अनुभवी कौन, आप या हम? हम। तो कक्ष में कौन जाएगा, आप या हम? हम। महाराज गुरुवार जाएंगे। अब फंसा बुड्ढा। महाराज ये बात पूरी नहीं करने देते हैं, बात तो सुना कीजिए पंडित रामकृष्णा। क्या? हम ये चाहते हैं कि प्रथम अवसर आप लोगों को प्राप्त हो। आप मत जाइए, महामंत्री जी आप जाइए। हाँ जी। हम यदि आचार्य यदि हम यहाँ से चले गए तो यहाँ की व्यवस्था और सुरक्षा कौन संभालेगा? हम संभाल लेंगे, आचार्य ही जाएंगे। आचार्य आप जाएंगे। हमें प्रतीत होता है कि इस प्रकार तो कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, निर्णय स्वयं हमें लेना होगा और हमारा निर्णय है। एक क्षण महाराज, क्षमा कीजिए, इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें हम आपको बताना चाहते हैं कि रात्रि में उस कक्ष में जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। जी महाराज, कहीं अंधकार में बालक के जीवन को बचाने के स्थान पर संकट में न डाल दें। हमारी ब्रह्म दृष्टि ऐसा करने से मना करती है। और हाँ महाराज, साथ ही साथ हमें कुमार वासुदेव की खोज राजमहल में जारी रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो राजमहल में या कहीं आसपास तो नहीं। क्यों पंडित रामकृष्ण, हमने उचित कहा ना? उचित है, हम आपको एक पैर का समय देते हैं, उसके भीतर आप सुनिश्चित कर लीजिए जो करना है और यह भी तय कर लीजिए कि कौन बहादुर उस कक्ष में जाएगा, अन्यथा वो निर्णय हमें लेना होगा। अभी के लिए तो बच गए। हाँ दो सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा है। नहीं नहीं नहीं, ताल तो है तो स्वर्ण मुद्रा है। 8,000 स्वर्ण मुद्रा है। हाँ अम्मा, कार्य इतना कठिन है तो पुरस्कार भी अधिक होना चाहिए। कौन सा कार्य, कैसा पुरस्कार? जिस विषय में आप हमें बताना नहीं चाहते थे हमें ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? यही से माला ताला कलकते कक्ष में लुप्त हो गया और तू उसे बताने जाने वाला है। उठा लो उठा लो।
वही तो शारदा, उस बालक को उठाने के लिए मुझे उस भूतिया कक्ष में जाना होगा। नहीं नहीं, बालक को नहीं, इस अवसर का लाभ उठा लो। परंतु मैं तो, अरे आप कर सकते हैं, इस कार्य के लिए आपको 8,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। हम तो सोच भी नहीं पा रहे हैं इतनी राशि का हम करेंगे क्या। तब मत सोचो ना, किसने बोला है सोचने के लिए। क्यों ना सोचे, महामंत्री और तथाचार्य ये कार्य करने से रहे, महाराज तो ये कार्य तुझे ही देंगे। जब भी कोई विपदा आई है तूने स्वयं कष्ट लेकर उस विपदा को दूर किया है। शुभ शुभ बोलो अम्मा। शुभ, ग्यारह, ग्यारह शुभ होता है। भगवान करे महाराज तुझे 11,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दे। भविष्य हमारे हैं, परंतु विचार तो अम्मा के हैं ना। चाहे जिसके भी हो। वैसे ये विचार हमारे भी है, हमें ऐसा लगता है कि आप उस भूतिया कक्ष से उस बालक को बचाकर ले आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ लामा, तुम मालत का प्रिय तो मालत तुझे ही भेजेंगे उस नलभक्ति कक्ष में। मैं महाराज का प्रिय हूँ ना, तो महाराज मुझे नहीं भेजेंगे, वो किसी और को भेजेंगे। हाँ। अशुभ विचार मन में मत लाइए, आपने सदैव अपनी बुद्धि से सब कुछ ठीक किया है, महाराज आप ही को भेजेंगे और उस बालक को ढूंढने का पुरस्कार भी आप ही को मिलेगा। हम भगवान से आपकी रक्षा की प्रार्थना करेंगे, जिस भूतिया कक्ष से आज तक कोई वापस नहीं आया आप आ ही जाएंगे। अरे सांत्वना दे रहे हो या भयभीत कर रहे हो, इससे तो अच्छा है कि मैं अस्वस्थ हो जाऊं और मुझे वहां जाना ही ना पड़े। हाँ, हम अस्वस्थ, अत्यंत अस्वस्थ, हमें तीव्र ज्वर है। मानसिक ज्वर तो नहीं है ना गुरुजी, जीवित रहेंगे या फिर प्रस्थान करेंगे स्वर्ग की ओर। अरे धनी, मानसिक ज्वर कैसे हो सकता है, मानसिक ज्वर होने के लिए मस्तिष्क का होना आवश्यक है ना। हमें कुछ नहीं हुआ मूर्ख, हमें ज्वर, बस यही बोलना है राज दरबार में। नहीं नहीं गुरुजी, पकड़े जाएंगे, हम नहीं, हम नहीं। पंडित रामकृष्ण कोई ना कोई औषधि जरूर ले आएंगे। हाँ गुरुजी, याद है ना पूर्व में भी आपको ही भेजा था उस भूतिया हवेली की ओर, इस बार भी आपको ही भेजेंगे इस नरभक्षी कक्ष की ओर। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस कक्ष में नहीं जाएंगे, और यदि जाना पड़ा तो सर्वप्रथम हम तुम दोनों को भेजेंगे। हम दोनों आपके पास आएंगे ही नहीं गुरुजी। हाँ गुरुजी, उस भूतिया कक्ष में जाने से पूर्व ही हम तो लुप्त हो जाएंगे। हाँ, जैसे भी भोजन के लिए लुप्त हो जाएंगे। मिल गया उपाय। बुद्धिमान तो हो तथाचार्य, अब उस कक्ष में पंडित रामकृष्ण को ही जाना होगा। आचार्य ने तो अवश्य कोई उपाय निकाल लिया होगा स्वयं को बचाने का और आपको भेजने का। उनसे पूर्व तो तुम तीनों मुझे वहां भेजने की तैयारी में लगे थे, मुद्राएं गिन रहे थे। सोचो सोचो, यदि तुम्हारा रामा सचमुच उस कक्ष में जाकर कभी वापस नहीं आया तो सदैव के लिए। ये विचार तो हमने किया ही नहीं। कहां से करोगी, सारा विचार विमर्श तो पुरस्कार के बारे में ही हो रहा था ना। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आपको जाना भी पड़े तो हम सब आपके साथ जाएंगे, है ना अम्मा। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर लामा, तेरे मस्तिष्क पे कोई ना कोई उपाय आ ही जाएगा। तू निश्चिंत होकर सो जा, कल की कल देखेंगे और सब साथ में देखेंगे। रामा, सत्य कह रही थी शारदा और अम्मा, तथाचार्य ने तो सभा में न आने का कारण ढूंढ लिया है, तुझे ही उस कक्ष में जाना होगा।
अब तेरा क्या होगा रामा? तू लुप्त हुआ तो मुझे भी तेरे साथ लुप्त होना पड़ जाएगा। सुना है भूत प्रेत सबसे पहले चोटी पकड़ते हैं। महाराज, इतना समय व्यतीत हो गया है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? कम से कम एक रात्रि चैन से व्यतीत हुई है बिना वसु के, तनिक समय और व्यतीत हो जाने दो शांति से। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे। दासी, हम जाएंगे। कहाँ? अपने भाई को ढूंढने के लिए। और ये पोटली? इस पोटली में हमारे भाई के लिए भोजन है। वासुदेव भूखा होगा ना, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। रुकिए, रुकिए, आप नहीं, हम जाएंगे आपके भाई को बचाने के लिए। आप क्यों जाएंगे हमारे भ्राता को ढूंढने के लिए? क्योंकि जो आप कर सकती हैं, वो हम भी कर सकते हैं और आपसे उत्तम कर सकते हैं। हम ही जाएंगे आपके भाई को बचाने के लिए। भाई हमारा है, हम जाएंगे। हमारा भी भाई है। आपका भाई? हाँ महाराज, है ना, मायके में पिताजी के पास। तो आप अपने भाई के पास जाइए, हम अपने भाई के पास जाएंगे उसकी रक्षा हेतु। शांत शांत हो जाइए आप दोनों, हम कुछ करते हैं। हम जैसे गुरु और लौट आते हैं, हम कुछ करते हैं। महाराज 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 महाराज, अब हमारे गुरुजी नहीं आएंगे। हमारे प्रिय गुरुजी कभी नहीं आएंगे, जिनकी हम इज्जत करते थे। आचार्य नहीं रहे अर्थात, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं हमारे गुरुजी ने कहा है कि वो लुप्त हो गए हैं और अब कभी नहीं आ पाएंगे। क्या उन्होंने कहा कि वो लुप्त हो गए हैं? संभव है महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुजी इस पत्र में कहते हैं कि पढ़ पढ़। हम महान पंडित तथाचार्य, राज्य के सबसे प्रिय महाराज के दुलारे, अपने राज्य के प्रति अपना धर्म, आस्था और कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए उस भूतिया कक्ष में जा रहे हैं। वासु को ढूंढकर लौटेंगे, अन्यथा कभी नहीं लौटेंगे। अर्थात गुरुवर सचमुच उस नरभक्षी कक्ष में चले गए? चले गए हैं और अब तक नहीं आए हैं। महारानी चिन्ना देवी, देखिए आप बड़ी महारानी है और आपका भाई है, तो आप ही अपने भाई को बचाइए। हम जो भी करते हैं उससे उत्तम तो आप करती हैं। आप ही जाइए, आप निपुण हैं हर चीज में। अरे जब आपका भाई है तो हम क्यों जाएं? आप जाइए, हम कह रहे हैं ना आप जाइए। अरे हम क्यों जाएं? आप जाइए, हम कह रहे हैं आप जाइए। आप जाइए ना। शांत शांत हो जाइए आप दोनों। हमारे रहते आप में से किसी को भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बच गया रामा, हमारा स्वयं जा रहे हैं। पंडित रामकृष्ण महाराज, उस कक्ष में आप प्रवेश करेंगे। मैं महाराज, नहीं नहीं मैं। पंडित रामकृष्ण, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां अकेले नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हाँ अर्थात आप भी साथ में चलेंगे? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जाएंगी पंडित रामकृष्ण। नहीं महाराज, वो बंद कक्षों में मुझे बड़ी घुटन सी महसूस होती है, श्वास नहीं आता और अंधकार में तो मुझे दिखाई भी नहीं देता महाराज, और आज तनिक स्वास्थ्य भी खराब है। तो पंडित रामकृष्ण,
जो आज्ञा महाराज, मैं ही चला जाऊंगा। अद्भुत, प्रसन्न हुए हम। रामा, इस दरबार और समस्त मित्रों को अंतिम दर्शन कर ले, अब इनसे पुनः भेंट नहीं होगी। ये ताला कैसे तोड़ूं? यहाँ आसपास कोई सहायता के लिए भी नहीं है। अम्मा शारदा गुंडप्पा ने कहा था कि वो मेरी सहायता करेंगे, किंतु कोई नहीं आया। मुझे तो पहले से ज्ञात था कि कोई नहीं आएगा। मुझे अकेले को इस खड़कते बंद द्वार के समक्ष खड़ा कर दिया सबने। मुझे तो पहले से ज्ञात था कि तुम लोग अवश्य आओगे। अब आए हो तो ताला तोड़ने में मेरी सहायता करो। तुम लोग मेरी सहायता ही करने आए हो ना? हाँ, सहायता ही करने आए। ये ले लाठी, तोड़ दे ताला। आज तक क्या था? पुलिस ही था, लेकिन पहले तूने पुलचा दिखाया नहीं ना। अब कुंडी भी खोलते भूतिया कक्ष के द्वार की। अच्छा, तुझे बड़ी शीघ्रता है ना? आ, तू खोल, आजा, तू खोल, 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 खोल। नहीं नहीं, ये तुक्का मैं कैसे कर सकता? तू ही कल अपने हाथों से। पीछे क्यों हट गए? मेरी सहायता करने आए थे ना तुम लोग? तो सहायता तो करने आए, इसलिए तो लाठी दी थी, अब आशीर्वाद दे रही हूँ। और मेरे लिए शुभकामनाएं भी है। हमारे लिए शुभकामनाएं, एक सुंदर सुशील संस्कारी सती सावित्री पत्नी की शुभकामनाएं आपका आपकी रक्षा करेंगे। उठा लो। क्या तुम्हारी शुभकामनाएं? नहीं, अम्मा की लाठी उठा लो, अंदर रक्षा के काम आएगी। क्या है जाना? हम ही अम्मा कह रहे हैं। जा रहा हूँ। जाइए ना। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ऐसे अंधकार वाले स्थान पर तो मैं तभी नहीं दाऊंगा। मुझे अकेले भेजा ना यहाँ पे, अभी बताता हूँ। अरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोचा था, बड़ा ही मनमोहक स्थान है। अरे वाह, इतनी सारी घंटियाँ। घंटियाँ
और यहाँ तो लड्डू भी हैं। अम्मा, और लड्डू के साथ साथ नौ लखा हार भी है। यहाँ तो असीम जी वस्तु घंटी कहाँ है? लड्डू कहाँ है? नौले का हार भी नहीं दिख रहा। डप्पे ये देख, ये नहीं तेरी घंटिया। अरे अम्मा ये रहे लड्डू, खा लो। और तुम्हारा नौलखा हार ये रहा, पहन लो। हाँ दुष्ट नालायक कपटी, तूने हमें छला, हम नहीं रहेंगे यहाँ। चल चलो। ये खुल क्यों नहीं रहा? ये केवल बाहर से भीतर आने का द्वार है, केवल बाहर से ही खुलता है। हे भगवान, अब क्या हुआ? छल, घोर छल, वही जो आपने हमारे साथ किया। नहीं नहीं, उससे भी बड़ा छल जो गुरुवर ने किया है। वो तो इस कक्ष में आया ही नहीं है। आपको कैसे ज्ञात हुआ? अरे थोड़ा तो मस्तिष्क उपयोग करो। द्वार का ताला मैंने तोड़ा, द्वार मैंने खोला, इसका मतलब यही होना कि प्रथम मैं ही इस कक्ष में आया हूँ। गुरुवर इस कक्ष में आए ही नहीं। ये ताला तोड़ने से पहले क्यों नहीं सोचा? मैं डरा हुआ था ना। यानी वो तो तुत्ते भी बले थलिया निकले। मैंने तो केवल तुम तीनों को छला इस अंधेरे कक्ष में तुम्हारा साथ पाने के लिए। तो गुरुवर ने तो मंत्रीवर को, महारानी को, महाराज को, अभी तो इस राज्य को छल की पराकाष्ठा दिखाई है। एक झूठे पत्र के द्वारा स्वयं को महादेश प्रेमी, महाबली, महाशूरवीर दिखाकर सबको महामूर्ख बना गए गुरुवर। महामूर्ख हैं सभी। हमारे लिखे पत्र को पढ़कर भाव विभोर हो रहे होंगे। बस पंडित रामकृष्णा के पुणे आने के पश्चात उचित समय पर पहुंचकर सारा श्रेय हम स्वयं ले लेंगे। और हाँ, हमारे इस षड्यंत्र में आपको बस ऐसे रहना है जैसे हम यहाँ है ही नहीं। परंतु आप तो यहाँ हैं। ये केवल आपके लिए है। ये तो हमें ज्ञात है, किंतु आप किसके लिए नहीं हैं? किसी के लिए नहीं है। हम वो पक्षी हैं जो किसी को भी दृष्टिगत नहीं होते हैं। हाँ, आप पक्षी हैं, किंतु हमने तो कभी आपको उड़ते हुए नहीं देखा। सौदामिनी उदाहरण दे रहे हैं। आपको ऐसा व्यवहार करना है कि आपने हमें देखा ही नहीं। अरे आप मुख फेर कर क्यों खड़ी हो गई? कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें अनदेखा क्यों कर रही हो सौदामिनी? कुछ बोलो ना। आप ही ने तो हमसे कहा था कि ऐसा व्यवहार करना जैसे कि आप यहाँ उपस्थित ही नहीं है, वही तो कर रहे हैं हम। हाँ, ऐसा हमारे साथ नहीं, दूसरे के साथ व्यवहार करना है। यदि कोई दूसरा इस कक्ष में आए तो उसके साथ ये व्यवहार करना है कि हम यहाँ है ही नहीं। और वो स्वच्छता कर्मचारी आए तो भी? और वो दूध वाला आए तो? अरे दूध वाला, सब्जी वाला, भाजी वाला, लहसुन वाला, अदरक वाला, टमाटर वाला, प्याज वाला, श्वेत वाला, श्याम वाला, धोबी वाला, कोई भी आए उसको आभास नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ हैं। और वो भोजन वाला आए तो? अरे भोजन, मेरी अम्मा, भोजन वाला भी आए तो उसे भी कह देना कि हम। हाँ? नहीं नहीं, भोजन वाला आए तो उसे कहना दो लोगों का भोजन बना दे, नहीं चार लोगों का भोजन बना दे, हमें अत्यंत भूख लगी। यदि हमने उससे कहा कि आपको बहुत भूख लगी है तो उसे ज्ञात हो जाएगा आप यहाँ उपस्थित हैं। हमें भूख लगी है नहीं, तुम्हें 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 भूख लगी है ये कहना है, ताकि हमें खाने के लिए भोजन मिल जाए, समझी?
कैसा बना है महाराज भोजन? अद्भुत अद्भुत अर्थात स्वादिष्ट बना एकदम। यहाँ हमारा भाई वासुदेव रात से घर नहीं लौटा है और आप हैं कि यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर रहे हैं। नहीं महारानी किन्ना देवी, ये भोजन तो हम मन मार के ग्रहण कर रहे हैं, खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो फिर क्यों कर रहे हैं महाराज? अर्थात हम इस प्रयोजन से कर रहे हैं कि पेट भरा रहे और मस्तिष्क चलता रहे हमारा, कि आपके भ्राता वसुदेव को, कुमार वसुदेव को उस कक्ष से बाहर कैसे निकाला जाए शीघ्र अति शीघ्र। आपको पंडित रामकृष्ण पर भरोसा नहीं है? पंडित रामकृष्ण पर तो पूर्ण भरोसा है, परंतु आपके भ्राता पर और उस बंद कक्ष पर भरोसा नहीं है। न जाने वहां क्या हो रहा होगा। अब इस बंद कक्ष में हमारा क्या होगा? जो होना था वो तो हो चुका है, अब जो करना है हमें करना होगा, क्योंकि जहाँ नहीं आना था वहाँ आ चुके हैं, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। और यदि अपने प्राण प्रिय हैं तो सर्वप्रथम कुमार वासुदेव को ढूंढना होगा, यहाँ खड़े खड़े भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। गुंडप्पे मैं मशाल लेकर आता हूँ, तू दो बड़े बड़े चिकने पत्थर उठा कर ला। हाँ अम्मा अपनी लाठी संभालो, शारदा अपना नौलखा हार उठा लो। अरे एक ये मसाल तो निकल ही नहीं रहा है। रुक जा लम्मा, अब तेरी सहायता तेरे आ ले। नहीं नहीं मैं कर लूंगा। अरे क्या हुआ माँ? अरे तुम लोग सब साथ ही हो ना, किसी की वाणी क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या है पत्थर? अरे हे माँ जल जाए, चल गया चल गया। अम्मा भगवान ये तो सुरंगों की भूल भुलैया लगती है, और नन्हा सा वासुदेव पता नहीं किस अवस्था में होगा। अम्मा वासुदेव कीड़ा है, व्यर्थ ही भयभीत हो रहा रामा, ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों वाली साधारण सी गुफा है। अर्दा गुंडप्पा गुंडप्पा अम्मा अम्मा शायद पापरे ये गुफा तो साधारण भी नहीं है। नहीं नहीं साधारण क्या, भयावह नहीं है। नहीं नहीं भयावह क्या, भूतिया है। यहाँ तो कंकाल भी वार्तालाप करते हैं। कंकाल नहीं हम बात कर रहे हैं, पीछे देख। आ, आ, आ,
कंकाल से ज्यादा भयावह तो तुम लोग लग रहे हो। आप भी तो भयावह लग रहे हैं। इससे पहले कि भय से हमारे प्राण निकल जाए हमें बाहर निकालिए यहाँ से। मुझे भी बहुत भय लग रहा है। अच्छा मैं अभी अपनी जादुई छड़ी घुमाता हूँ और तुम लोग यहाँ से बाहर निकलता हूँ, ठीक है? यदि तेरे पास दादू की थाली थी तो इतना विलंब क्यों किया? ये उपहास कर रहे हैं। यहाँ हमारी भय से जान निकली जा रही है और ये है कि उपहास कर रहा है। हम सब साथ में हैं, फिर भी इतना भय लग रहा है। बेचारे वासुदेव का क्या हाल हो रहा होगा? हमारा भाई पूर्ण रात्रि व्यथित हो रहा होगा उस कक्ष में। पता नहीं बेचारा ठीक से सो भी पाया होगा या नहीं। कौन जाने उस कक्ष में बेचारा अकेला कहां कहां भटक रहा होगा। जी जी महाराज, और आप है कि आपको हमारे भ्राता की कोई चिंता ही नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप महारानी जी? ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? हमने अपने राज दरबार के दो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है और आप कह रही हैं हमें चिंता नहीं। हमें है चिंता, इतनी चिंता है, इतनी इतनी चिंता है कि हमें प्रतीत होता है वो हमारे समक्ष स्वयं चल के आ रहे हैं। महाराज, हमारा वासुदेव, वासुदेव आ गया महाराज। हम गए कहाँ थे जो आ गए? वहाँ उस खड़कते हुए द्वार के कक्ष में। कौन सा द्वार? वही जहाँ आप खेल रहे थे। ओ उसमें, उसमें तुम गए ही नहीं। गए नहीं अर्थात आपके वस्त्र हमें वहाँ पे। हाँ, हमारे गेंद उस कक्ष में चले गए थे। तो हम अपने वस्त्र की सहायता से उस कक्ष के वातायन से उसमें जाने का प्रयास कर रहे थे परंतु गिर गए। तत्पश्चात हम चुपचाप अपने कक्ष में आकर सो गए। आप वहाँ गए नहीं? नहीं। क्यों नहीं गए आप? महाराज, आप इस प्रकार वासुदेव पर कुपित क्यों हो रहे हैं? अच्छा है ना ये वहाँ नहीं गए, बच गए। ये तो बच गए परंतु हम फंस गए ना महारानी। किस प्रकार महाराज? ये अपने कक्ष में जाकर सो गए परंतु वो लोग वहाँ फंस गए ना, गुरुवर पंडित रामकृष्ण उनका परिवार। अब स्वयं हमें जाना होगा उस कक्ष। हम नहीं, सिपाहियों को भेजना होगा हमें। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यदि आप सेना को वहाँ भेजेंगे तो वे सब वासुदेव के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। और यदि वो सब सकुशल नहीं लौट कर आए तो लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे महारानी जी? महाराज, सब सकुशल वापस आएंगे। आपने तो कहा था कि पंडित रामकृष्ण पर आपको पूर्ण विश्वास है। जी वो तो है परंतु जब तक वो सब लौट कर नहीं आते हैं सकुशल, हमें कुमार वसुदेव को यही इस कक्ष में छुपा के रखना होगा। कुमार वसुदेव, आप कहाँ जा रहे? जब तक सब लौट कर नहीं आते आपको यही इसी कक्ष में छिप कर रहना होगा। नहीं, हमें भूख लगी है। यदि आपको भूख लगी है तो आप यही इस कक्ष में रहिए, हम आपके खाने पीने का प्रबंध यही इस कक्ष में कर देते हैं, आपको जो चाहिए वो देंगे। अच्छा, जो चाहिए वो मिलेगा? जी, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो ठीक है, सर्वप्रथम हमें 56 भोग चाहिए। 56 भोग खाएंगे आप? हाँ, अन्यथा हम बाहर चले जाएंगे। अच्छा, तो आप हमें शर्तों के बंधन में बांध रहे हैं? हाँ। उचित है, आपका अधिकार बनता है, हम प्रबंध करते हैं आपके लिए यही इसी कक्ष में 56 भोग का। सचमुच हमारे गुरुजी ने बहुत ही बड़ा त्याग किया है मनी, स्वयं ही चले गए महल के खड़कते द्वार में। जाते जाते हमारे बुढ़ों ने कुछ अच्छा कार्य किया है। प्रथम बार हमारे गुरुजी के किसी कार्य पर, उनके शिष्य होने पर हमें लज्जा ही नहीं आ रही है। अरे लज्जा कैसे आएगी, हमारे गुरुजी ने कार्य ही कुछ ऐसा किया। धनी, हमें भी अपने गुरुजी के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, किंतु करें तो क्या करें मनी? हाँ,
देखो हमारे गुरुजी धोतिया कल से बाहर तो आने वाले हैं नहीं, वहीं से वहीं परलोक सिधार जाएंगे, तो हमें चलकर संभालना चाहिए। सत्य वचन मनी, हमें बेचारी गुरु माता को जाकर सांत्वना तो जरूर देनी चाहिए। अरे धनी, हम गुरु माता की बात नहीं कर रहे, हम सौदामिनी देवी की बात कर रहे हैं। तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, आजा आजा। सौदामिनी देवी, सही कहा तूने मनी, सौदामिनी देवी को सांत्वना देना तो अति अनिवार्य है। हमारा कर्म है ये, हमारा धर्म है ये, जीवन मर्म है ये। ये हमारा हमारा भी जान था धनी, हम सर्वप्रथम जाना चाहते थे सौदामिनी देवी के पास। रुक रुक लामा, पहले मुझे बचा। नहीं नहीं, पहले मुझे बचाइए, तू हम तीनों को बचाएगा। मैं केवल कुमार वासुदेव को बचाऊंगा, तुम तीनों को तो कदापि नहीं बचाऊंगा। तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतनी जल्दी भूल जाएगा कि हम तीनों। नहीं नहीं, मैं तो कदापि नहीं भूला हूँ कि तुम तीनों ने ही मुझे इस भयावह कक्ष में धकेला था। हम तो उपहास तल लेते लामा, हम तीनों तो तेरी सहायता ही तल ले आए ना लामा। हाँ, हाँ, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब जल में गिरे तो हर हर गंगे क्यों? तू मेरा इकलौता पुत्र है, मैं तेरा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। तू मेरा इकलौता मित्र है लामा, यदि कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हमारे इकलौते पति हैं, हम ना आपका हाथ छोड़ेंगे और ना साथ, चाहे कुछ हो जाए। क्या पति एक ही होता है? साथ रहने में क्या आपत्ति है, हम आपके साथ ही रहेंगे। पक्का? चाहे कुछ भी हो जाए साथ में रहोगे? मूषक, अभी तो कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए अकेला नहीं छोड़ेंगे, और अभी एक मूषक से भयभीत होकर अकेला छोड़कर भाग गए। डरपोक, खिलाऊ ना। हाँ सौदामिनी, मैं जाऊंगा। इन वस्त्रों में जाएंगे तो सौदामिनी देवी भगा देंगी। मैं जाऊंगा। हमें कुछ सुनाई दे रहा है। मैं जाऊंगा। ये मूषक सूंघते हुए इसी दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गुरुजी, मनी, गुरुजी की आत्मा सौदामिनी के घर में भटक रही है। नहीं, ऐसे कपटी पाखंडी की आत्मा भटक नहीं सकती, यमराज उसे सीधे नरक ले जाएंगे। अर्थात गुरुजी यहीं पे? चल चल के देखते हैं। हमें छुपना होगा। कहाँ छुपे? नहीं, यहाँ यहाँ। सौदामिनी, इन दोनों मूर्खों को भीतर मत आने देना, वहीं से विदा कर देना। हाँ, जाती हूँ। हमने हमने अपने कानों से गुरुवार की वाणी सुनी है। हाँ, हमारे गुरुजी यहीं है ना? कहाँ है गुरुवार हमारे? नहीं, वहाँ 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 हर जगह है गुरुवार। वहाँ वहाँ कहाँ है हमारे गुरुजी? मूर्ख, सौदामिनी देवी की भावनाओं को समझो। हमारे गुरुजी के ऊपर चले जाने के बाद
सुदामिनी देवी को चारों तरफ हमारे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सुदामिनी देवी, आप चिंतित मत होइए, अब आपको उस बुड्ढे की हमारे गुरुजी की स्मृति में ये सुंदर जीवन नहीं बिताना होगा। सुदामिनी मैं हूँ ना तुम्हारा धनी। मैं भी तो हूँ आपका मनी। आप हम जैसे सम्मानित व्यक्ति पे भरोसा कीजिए, हम गुरु जी की तरह छल कपट और पाखंड से कुछ नहीं होती आएंगे, जो भी मिलेगा मिल बांट के खाएंगे। सुदामिनी मैं हूँ तुम्हारा धनी। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम दोनों मिलके आपको संभाल लेंगे, एक उनकी पदवी और एक आपको। अब हमें बस इतना ही निर्णय करना है कि किसे पदवी मिलेगी और किसे मिलेगी सुदामिनी। हमें एक रात्रि के लिए लुप्त क्या हूँ, ये तो बंटवारे पर आ गए, जैसे कि यही हमारे उत्तराधिकारी हो। इन दोनों को पाठ पढ़ाना होगा। अभी करता हूँ तुम्हारा बंटवारा। कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा ज्ञात नहीं इनकी अगली मांग क्या होगी। भोजन तो हो गया परंतु संतुष्टि नहीं मिली। 56 भोग अकेले खा के भी संतुष्टि नहीं मिली। अब क्या पूरा भंडार गृह यही मंगवाया हूँ? हमारे लिए ना एक लकड़ी का घोड़ा मंगवा दीजिए। लकड़ी का घोड़ा? हाँ, तनिक खेलेंगे तनिक झूलेंगे, अन्यथा भोजन का पाचन कैसे होगा। ठीक है, मंगवा देते हैं लकड़ी का घोड़ा। कुछ समय और इनकी मांगे पूर्ण कर दीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। पंडित रामाकृष्णा चतुर हैं, बहादुर हैं, होशियार हैं, वो सब ठीक कर देंगे, उन पर भरोसा रखिए। मूषक, मूषक। रामा मूषक से भयभीत हो रहा है। मूषक नहीं बंधु, मूषकों की सेना है देख। ए, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, भोजन की पोटली भी अम्मा के पास रह गई। वो क्या था? लेती होगा, इतना विचल वालती हो सकता है। शैतान था, कोई नरभक्षी भी तो हो सकता है ना अम्मा। अम्मा आपका पुत्र बेचारा अकेले कैसे सामना करेगा, हमें हमारे इकलौते पति के पास जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। शालदा लामा तब संभाल लेगा, उसके बाद कोई ना कोई उपाय लेता है यह समस्या का। धनी मनी पंजा लड़ाएंगे, जो हारेगा उसे मिलेगी गुरुजी की पदवी और जो जीतेगा उसे मिलेगी सुदामिनी। अच्छा तो मैं स्वीकार करता हूँ तेरी चुनौती, चल मेरी होगी सुदामिनी। लगा मने, मुझे तो गुरुदेव दिख रहे हैं। मुझे भी। गुरुजी आप जीवित हैं,
कैसे? आपने तो कहा था कि उस भूतिया कक्ष से बाहर कोई नहीं आता, आप क्यों आ गए? मतलब कैसे आ गए गुरुजी? हमने उस कक्ष में प्रवेश किया ही नहीं था। आप उस कक्ष में गए नहीं? गुरुजी आप तो महान हैं, महान चतुर हैं गुरुजी। आपने उस कक्ष में भीतर प्रवेश किया बिना ही रामा को उस कक्ष में प्रवेश करा दिया। कमाल है। लेकिन गुरुजी पंडित रामकृष्णा? क्या हुआ पंडित रामकृष्णा को? वो बाहर आया? हाँ आ गया गुरुजी, बाहर आ गया। और महाराज पंडित रामकृष्णा को बहुत बड़ा पुरस्कार देने वाले हैं। पुरस्कार? महाराज ना ही गुरुदेव लौटे हैं और ना ही पंडित रामकृष्ण जी। तो आप कुछ कीजिए महामंत्री जी। जी अब जी महाराज हम प्रतीक्षा करते हैं। कितनी प्रतीक्षा करेंगे महामंत्री जी? अब हमें चिंता हो रही है, गुरुवर और पंडित रामकृष्ण दोनों उस कक्ष में, समझ नहीं पा रहे हमें क्या करना चाहिए। पंडित रामकृष्ण अभी तक नहीं आया, हम यहां से निकल लेते। मूर्खों, सदैव अनुचित समय पर आते हो। गुरुवर प्रणाम। महाराज प्रणाम। हम अत्यंत प्रसन्न हुए आपको सकुशल देखकर। अद्भुत गुरुवर, आपकी बल, आपकी बुद्धि और आपका साहस तीनों अद्भुत हैं। नहीं महाराज ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, वहां तो कोई भूत वूत है ही नहीं महाराज। जी हाँ महाराज, हमने तो बस अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, मार्ग ढूंढा और निकला। अद्भुत गुरुवर, तो अब पुनः वहां प्रस्थान करने की तैयारी कर लीजिए। अम्मा परंतु क्यों? गुरुवर पंडित रामकृष्ण का परिवार सभी वहां भीतर है, उन्हें बाहर लाना होगा ना। और कुमार वासुदेव को भी? उन्हें तो आप भूल ही गए महाराज। अवश्य अवश्य गुरुवर, उन सभी को सकुशल वापस बाहर लाने के लिए आपको भीतर जाना होगा। परंतु हम कैसे जा सकते हैं महाराज? जैसे कि पहले गए थे। आचार्य आप ही तो हैं जिनकी ब्रह्म दृष्टि से सभी लोग सुरक्षित वापस आ सकते हैं, है ना महाराज? जी अवश्य। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे जाने की आवश्यकता ही नहीं, बाहर आने का मार्ग सरल है, पंडित रामकृष्ण चतुर हैं, वो स्वयं आ जाएंगे कुछ समय पश्चात सबको लेकर साथ में। गुरुवर अत्यधिक समय व्यतीत हो गया, पंडित रामकृष्ण और उनका परिवार अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हमें चिंता हो रही है, हमें प्रतीत होता है कि अब आपको वहां जाना चाहिए। गुरुजी बुरे फंसे आप। अब कैसे बचेंगे गुरुजी? कपटियो तुमने हमें फंसाया है, अब देखो हम क्या करते हैं। गुरुवर जाएंगे महाराज, अवश्य जाएंगे, आपका आदेश हो और हम ना जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। परंतु हम अपने दोनों शिष्यों के साथ में ले जाना चाहेंगे, वो मंत्रों की शक्ति का प्रयोग जो करना है महाराज। अवश्य अवश्य जी। गुरुजी तो हम कैसे जा सकते हैं आपके साथ? हमने तो आपकी शिष्यता भी छोड़ दी। परंतु अब हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, निकलते हैं महाराज। महामंत्री जी। महाराज इसे कहते हैं शूरवीरता, सीखे कुछ हम प्रतीक्षा करेंगे। गुरुजी कुछ कीजिए, अभी भी समय शेष है। नहीं नहीं महाराज का आदेश है, हम पलायन नहीं कर सकते।
गुरुजी आपकी बात कौन कर रहा है? आप जाइए मौत के मुख में, हमें छोड़ दीजिए गुरुजी। ये तो आपके मरने के बाद आपका गुणगान कौन गाएगा गुरुजी? मैं कहने का तात्पर्य गुरुजी, क्योंकि महंत की व्याख्या कौन करेगा गुरुजी? गुरुजी आपके आपके काले धन का ख्याल कौन रखेगा गुरुजी? सोचिए तो अपनी देवी का ख्याल कौन रखेगा? हमारे सौदामिनी का ध्यान कौन रखेगा? मैं रखेंगे। अच्छा अच्छा, मूर्ख है हम। आप कह रहे गुरुजी तो मान लेते हैं। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं गुरुजी, आप कह रहे तो आप ही मूर्ख होंगे। इधर आओ। प्रश्न है, टिप्पणी नहीं। चलो भीतर, हम नहीं जाएंगे। गुरुजी द्वार तो खोल ही नहीं रहा है। गुरुजी अपनी शक्ति लगाइए, आप भी आइए। अरे धनी, हमें ही प्रयास करना होगा। हमारे गुरुजी की तो आज ही हो चुकी, उनमें इतनी शक्ति कहाँ होगी? प्रयास कर। अरे मूर्खो, हमें शक्ति भी है और बुद्धि भी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो बुद्धिहीनों। यदि ये द्वार भीतर से खुलता तो पंडित रामकृष्ण कब का बाहर आ चुका होता। अब हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। आओ हमारे साथ आओ। आओ कौन है? कौन सीखा? कौन है? कौन सीखा? अच्छा, मेरा प्रश्न मुझसे ही। अच्छा, मेरा प्रश्न मुझसे ही। चुप 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 चुप। ये तो बता दो, कौन सीखा? यहाँ पहले से ही मुझको ने इतना परेशान किया हुआ है। बाघ बाघ बाघ। नहीं नहीं, बाघ कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इस भयावह गुफा में सब कुछ बड़ा बड़ा प्रतीत होता है। चूहा शैतान दिखता है, और ये बिल्ली। हाँ, ये अवश्य कोई बिल्ली होगी जो बाघ की जैसे प्रतीत हो रही है। देखा, अवश्य ये बिल्ली है, तभी तो सारे चूहे भाग गए। अरे, चूहों से मेरे प्राण बचाने के लिए मेरा धन्यवाद लिए बिना ही बिल्ली भाग गई। कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलेगा रामा? कोई हल निकाल, वरना कुमार वासुदेव, तू और तेरा परिवार कभी नहीं निकल पाएंगे यहाँ से, और ना मैं। सत्य कहा बंधु, पता नहीं भाई के मारे बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे लेकर भी चिंतित होंगे, अवश्य ही मुझे ढूंढ रहे होंगे, भूखे प्यासे बेचारे। अम्मा, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, फिर आपके लड्डू में किशमिश नहीं आया क्या? दत्त, हम इसकी नहीं उनकी बात कर रहे हैं। उनकी चिंती रामा की, हम यहाँ बैठकर खा रहे हैं और वो बेचारे अकेले हमें ढूंढ रहे होंगे। हम आए भी तो उसी की वजह से हैं। तू चिंता मत कर, तू चुपचाप खा। चलो साजिश वचन ग्रहण कर लिया, अब चल रामा के ढूंढने चलते हैं। खा पी के मैं तो थक गई हूँ, अब मैं विश्राम करूंगी। लेकिन शारदा, तुम्हारा पति लापता है और तुम विश्राम कर लो थी। शब्द हमारे हैं, परंतु आलस्य अम्मा का है। इसे निद्रा तो हमें भी आ रही है। लेकिन रामा, हम रामा को ढूंढेंगे, रामा हमें ढूंढेगा। 10 लोग मिलकर एक कार्य करेंगे तो कार्य बिगड़ जाएगा। मैं बड़ी हूँ, मेरी बात सुनो, ढूंढने दो रामा को, हम यहाँ विश्राम करेंगे, रामा हमें ढूंढ लेगा। वैसे भी ढूंढने का कार्य महाराज ने रामा को दिया है। कहाँ है वासुदेव?
अरे मूर्खो, ये रस्सी को सर और सूखी हुई लकड़ी को हड्डी कहकर हमें भयभीत कर रहे हो? निर्भीक तथाचार्य को भयभीत कर रहे हो? तुम्हारा इतना दुस्साहस? भयभीत होना छोड़ो और सुनो, इस कार्य के लिए आए हो वो कार्य करो। धनी तुम जाओ, पंडित रामकृष्ण और उसके परिवार को ढूंढकर यहाँ लाओ, और मणि तुम जाओ, राजकुमार वासुदेव को ढूंढकर यहाँ लाओ। और आप अब यहाँ बैठ के मच्छर मारेंगे? अरे वो भी तो भैंसे हम मर चुके होंगे अंधेरे खंडहर में। अरे मूर्ख, यदि हमारे हाथों मृत्यु का ग्रास नहीं बनना चाहते, जाओ जो हमने कहा है वो करो, जाओ। ठीक है, टूटा हुआ भाला। गुरुजी, वहां देखिए स्वर्ण की बातें कुछ चमक रहा है। स्वर्ण कहाँ? गुरुजी वहां लगता है गुप्त स्वर्ण भंडार छिपा हुआ है। देखते हैं गुरुजी। इन्होंने तो जादूगरी समझ लिया है हमें, मांग पर मांग पूरी करवाए जा रहे हैं हमसे। हे भगवान, अब शीघ्र ही पंडित रामकृष्ण और गुरुदेव की कोई सूचना मिल जाए। महाराज, महाराज, जाओ 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 शीघ्र। महाराज, महाराज वो मंत्री जी, क्या समाचार है? पंडित रामकृष्ण और गुरुवर के विषय में कुछ पता चला? नहीं महाराज, आपको कोई सूचना प्राप्त हुई है महाराज? नहीं मंत्री, समझ में नहीं। महाराज, महाराज वो बालक बालक कहाँ है? कहाँ है? कोई बालक नहीं है महामंत्री जी। महारानी को बालक कह के संबोधित कर रहे हैं आप? नहीं नहीं महाराज, महाराज पीछे अवश्य कोई बालक है। बालक बालक कहाँ है बालक मंत्रीवर? हाँ कोई बालक नहीं है यहाँ पे। हाँ कोई नहीं मंत्रीवर, क्या बालकों की भांति बात कर रहे हैं आप? वहाँ कोई बालक नहीं है। हाँ मंत्रीवर, महाराज सही कह रही है, यहाँ कोई बालक नहीं है, हम तो बड़े हो गए हैं। और वासुदेव आप? हाँ मंत्री जी। आप और यहाँ? इसका अर्थ ये है कि उस भूतिया दरवाजे में आप गए नहीं। कितनी बार बोला मैं वहां नहीं गया। खुल गया भेद। अर्थात आचार्य तथाचार्य, पंडित रामकृष्ण और उसका संपूर्ण परिवार उस खड़कते दरवाजे के पीछे बंद है। महामंत्री जी। महाराज आप किसके लिए कार्य करते हैं? महाराज हम विजयनगर राज्य के लिए। हा? अर्थात धर्म अधिकारी राज राजेश्वर महाराज श्री कृष्णदेव राय के लिए निसंदेह। अद्भुत मंत्री, तो इस विषय में किसी को ज्ञात ना हो? जी महाराज, किसी को ज्ञात नहीं होगा, परंतु हमें तो ज्ञात है ना महाराज। आपका आशय क्या है? यही कि महाराज सभी लोग उस कक्ष के भीतर व्यर्थ में फंसे हुए हैं। महाराज हमें कुछ करना ही होगा। महाराज हमें उस खड़कते दरवाजे के भीतर प्रवेश करना ही होगा महाराज। हमें हमें अर्थात मात्र हम महाराज, अब ये हमारा अवसर है। अद्भुत महामंत्री जी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप ये कार्य संपन्न कर पाएंगे अकेले। क्या ये भी? पहले पंडित रामकृष्ण गए वो फंस गए, फिर गुरुवर गए वो फंस गए, अब ये जाएंगे ये फंस जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे और आप भी। इससे अच्छे सब साथ जाइए, साथ में फंसिए। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जाइए परंतु फंसिएगा नहीं। यही तात्पर्य ना आपका महारानी तिरुमलम्बा? हाँ यही। हम अभी आते। ये लीजिए महाराज। हंसा तो आप दोनों ने हमें दिया है।
कहाँ फंस गए रामा? यहाँ तो सुरंगों की भूल भुलैया है। अब तो इन सुरंगों में कोई ना कोई चिन्ह बनाना होगा, तभी तो बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा, अन्यथा मैं तो यहीं घूमता रह जाऊंगा। यहाँ तो पहले से ही इतने सारे चिन्ह बने हुए हैं। रामा, इतने सारे चिन्हों में तेरा बनाया चिन्ह नहीं दिखने वाला है, कोई और ही उपाय ढूंढना होगा तुझे। सही कह रहा है, कोई और ही विकल्प ढूंढना होगा, परंतु यहाँ तो हड्डियों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हड्डियाँ? रामा, तू ठीक तो है ना? मृतकों की हड्डियाँ देखकर प्रसन्न हो रहा है? चुप कर। थोड़ा पैर दबा। दे पैर दबा। अरे दबा ही तो रही हूँ अम्मा। ओह क्षमा कीजिए, गलत पैर दबा दिया। तुझे क्या हुआ? क्या देखा? भूत देखा? चुड़ैल? रामा को देखा? अम्मा, रामा को देखकर भयभीत थोड़ी होगा। क्या देखा तूने? दंती। मेरी एक दंती कम हो गई। चुप कर, सो जा। मेरी एक दंती कहाँ चली गई? जा। ये संभव नहीं हो सकता। अरे भगवान, क्या हुआ गुरुजी? आप ठीक तो हैं? मूर्खों ठीक कैसे होंगे? तुम दोनों हम पर लदे पड़े हो। उठो। लाला, अरे मूर्खो, ये सड़ी हुई सी घंटी तुम्हें स्वर्ण प्रतीत होती? अरे ये तो स्वर्ण क्या, चांदी की भी नहीं है, किसी उपयोग की नहीं है। ये तो पीतल की लगती है, सच में गुरुजी किसी उपयोग की नहीं। आपने भी ना एक घंटी के लिए हमें फंसा दिया यहाँ पे। क्या हुआ? अरे सांप क्यों सूंघ गया मूर्खो? अनायास ही बोलती क्यों बंद हो गई? ऐसा लगता जैसे तुमने कोई भूत देख लिया या नरबक्षी बाघ देख लिया। हैं? नरबक्षी बाघ? अरे मूर्खो, इस बंद अंधेरी गुफा में मूषक नहीं आ सकते तो बाघ कैसे आएगा? Yes।
सबसे पहले कि ये नरवंक सिंह अपने खूंखार शिष्यों के साथ आ जाए, अपने प्रिय शिष्यों के साथ भाग चलो। जल्दी, इस बंद अंधेरी गुफा में एक बाघ की कमी थी, बाघ ने काम मरने के लिए भेज दिया। भागो। हमी ने उन्हें इस द्वार के पीछे भेजा है, तो हमें उन्हें इस द्वार से बाहर भी निकालेंगे। महामंत्री जी, महाराज, यही एकमात्र धर्म का मार्ग है और हमें इस मार्ग पर चलने से आप रोकने का प्रयास मत कीजिएगा। कदापि नहीं रोकेंगे महाराज, आपकी आज्ञा का संपूर्ण रूप से पालन होगा। आप महाराज हैं, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए हमें। जी जी महाराज। तलवार ही भूल गए हम तो महामंत्री जी, हम अपनी तलवार लेकर नहीं आए हैं, अपनी तलवार भूल गए हैं महामंत्री जी, हम भीतर कैसे जा सकते हैं? महाराज आप चिंतित ना हो, ये आप हमारी तलवार ले जाइए। नहीं महामंत्री जी, हम आपकी तलवार लेकर कैसे जा सकते हैं भीतर? हमें हमारी शाही तलवार चाहिए, इसके बगैर हम भीतर नहीं जा सकते हैं। सत्य कहा महाराज आपने, बिना तलवार के आप कैसे जा सकते हैं? बच गए महारानी। इसलिए महाराज हम आपके लिए स्वयं आपकी तलवार लेकर आए। अभी तो एक नहीं दो दो तलवार लेकर भीतर जाइए, पता नहीं वहां आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप हमारा साहस बढ़ा रही हैं या हमारा मनोबल गिरा रही हैं महारानी? नहीं नहीं महाराज, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप पुनः उन सबको सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। उचित है, प्रस्थान करते हैं भीतर फिर। ये भी लीजिए महाराज। वो तलवार, अच्छा लाइए, धन्यवाद, चलें। हाँ मंत्री जी, जा रहे हैं हम भीतर। महाराज, महारानी चिन्ना देवी, हम प्रस्थान कर रहे हैं भीतर। महाराज, क्या हुआ? महाराज हमने ये द्वार कहीं देखा है। कहीं अर्थात संभवतः यहीं देखा होगा आपने ये द्वार। इसे तो याद नहीं आ रहा, कदाचित हमने यहीं देखा होगा। कोई बात नहीं महाराज, आप प्रस्थान कीजिए। जी जाते हैं, जाते हैं महामंत्री जी। जी जी महाराज जी, चलते हैं। महाराज हमें स्मरण आ गया। क्या स्मरण हुआ? कि ये द्वार हमने कहाँ देखा है। कहाँ देखा है आपने द्वार? उस प्राचीन चित्र में जो हमारे कक्ष में लगा हुआ है। कैसा चित्र? वही महाराज जो हमें प्राचीन पुस्तक वाले कक्ष में मिला था, जब हम विवाह करके इस महल में नए नए आए थे।
महाराज वो ना बड़ा ही विचित्र चित्र है, उसमें बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे मार्ग और मानचित्र बने हुए हैं। महाराज हमें वो चित्र बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसे हमने अपने कक्ष में रख लिया। कक्ष में लगा लिया आप? जी। और हमें बताया तक नहीं महारानी तिरुमलम्बा? हो ना हो ये चित्र इस खड़कते हुए द्वार के पीछे का नक्शा है। उसी नक्शे से हमें ज्ञात हो सकता है कि इस द्वार से बाहर कैसे निकला जा सकता है। मंत्रीवर नक्शा क्या? रामा तूने मार्ग तो लगभग भांप ही लिया था, परंतु तू कुमार वासुदेव और अपने परिवार को कैसे ढूंढेगा? पहले बाहर निकलने का मार्ग तो सुनिश्चित कर लूं, फिर परिवार को भी ढूंढ लूंगा। ए घूर क्या रहे, मारू क्या? बिना मुंडी वाले कंकाल हिलना मत। बिल्ली कहीं की तू फिर आ गई मुझे भयभीत करने? तुझे क्या लगता है रामा इतना डरपोक है कि तू जैसी बिल्ली से डर जाएगा है? चल चल अब बाघ की भांति ऐसे करेगी तो रामा भयभीत हो जाएगा। अरे मैं कोई मूषक थोड़ी हूँ। अच्छा अब समझा, तू मूषकों को ढूंढ रही है ना? अरे पगली मूषक यहाँ नहीं है, मूषक तो उस सुरंग में भाग गए तेरे भय से। जा जा उन्हें पकड़ वहां पे। अरे जा, जाती क्यों नहीं है? मार दूंगा जा। अरे जाती क्यों नहीं, जाके अपना भोजन ढूंढ, मुझे भी अपने परिवार को ढूंढना है। बड़ी आज्ञाकारी बिल्ली है, मेरा आदेश मानती है, और एक मेरा परिवार ही है जो मेरा आदेश नहीं मानता। क्या करूं, जैसा भी है तो मेरा परिवार ही ढूंढना तो पड़ेगा ही। अम्मा शारदा। अम्मा हमें रामा की आवाज सुनाई दे रही है। अगर आवाज आ रही है तो रामा भी आ जाएगा, तू सो जा। हाँ माँ ऐसे भी घर पे विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। गुंडप्पा कहाँ गया? अम्मा अब हम क्या करें? मैंने तो पहले ही कहा था जाकर रामा को ढूंढते, तुझे ही विश्राम करना था। अब देख बाघ के जाल में फंस गए। हमने कब कहा था विश्राम करने? मम्मी ने कहा होगा, और जब हमें निद्रा आती हम क्या बोलते हैं हमें खुद ही समझ नहीं आता। अब हम क्या करें, गुंडप्पा भी नहीं है। शारदा अम्मा रामा की आवाज वहीं से आ रही है। अरे वहां है क्या? हाँ अवश्य उधर ही है। हाँ चलो। अरे अम्मा क्या रामा यही है ना, दिखाई तो दे नहीं रहा है। अरे मैं रामा की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी धरती की बात कर रहा हूँ। यहाँ भूत प्रेत के साथ साथ बाघ पीछे पड़ा है, और तू है कि तुझे घंटियों की पड़ी है। पंडित रामा कृष्णा की रक्षा करना, पंडित रामा कृष्णा को सुरक्षित रखना भगवान, पंडित रामा कृष्णा को सुरक्षित रखना। विश्वासघात मकारो स्वामी द्रोहियो,
हमारा खाती हो, हमारे शिष्य हो और प्रार्थना पंडित रामाकृष्ण के लिए कर रहे हो? गुरुजी, यदि आपको सुरक्षित रहना है उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए गुरुजी, वही हमें इस विपदा से बाहर निकाल सकते हैं। चुप! घंटी दो। ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना है, ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना है, ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना है। कभी कभी किंतु आप बुद्धिमानी का कार्य कर ही लेते हैं। अरे मूर्खो, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, शत्रु के लिए भी पूजा करनी पड़ती है। ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना है, ईश्वर पंडित रामाकृष्ण की रक्षा करना है। ये घंटी मेरी है। तेरी मेरी, घंटी मेरी है तेरी, कैसे हो गई? हमारी ये घंटी हमें मिली है तो हमारी हुई ना। ये घंटी मिली, मिलते गिर गई थी तो मिली हुई ना। हाँ, तुम तो गिर गए थे, हमको मिल गई तो हमारी हो गई। ये घंटी मिली है मुझे तो, हमारी है मुझे तो, मिली है हमारी, मिली है। हे भगवान, ये बाघ हमारे पीछे क्यों पड़ गया? भागो! लुको, मेरी धंती! हाँ मंत्री जी, ये नक्शा तो भूल भुलैया की भांति प्रतीत हो रहा है। महाराज, ईश्वरी ऐसी भूल भुलैया से निकाल सकता है? महाराज, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, ये नक्शा भी पुराना हो चुका है, हमें लगता है ये किसी काम का नहीं। परंतु वे लोग यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढेंगे कैसे? महाराज, किसी को कुछ समझ में आए या ना है, परंतु ये समझ में अवश्य आ रहा है कि ये एक मार्ग है जो जो जंगल में निकल रहा है। देखिए महाराज, बहुत अच्छे रामा, अब बाहर निकलने का नक्शा तैयार है। आशा है ये योजना काम कर जाए। नहीं मंत्री बाबू, ये नक्शा किसी कार्य नहीं आएगा। महाराज, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है, उस खड़कते दरवाजे में हम लोगों को प्रवेश करना ही होगा। महाराज, न जाने कितने लोग शहीद हो गए उस द्वार में अंदर जाते हुए, कितनी आत्माएं भटक रही होगी। इससे पहले कि और कोई शहीद हो, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। महाराज, चलिए। महाराज नहीं जी। महाराज नहीं, नहीं, हम द्वार में से प्रवेश नहीं करेंगे। हम ये जंगल वाले मार्ग से जाएंगे। हाँ महाराज। बस अब यही सुरंग बची है, निश्चिंत ही इसी से होकर निकलेगा बाहर निकलने का मार्ग। बस बाकी सब मिल जाए, है कि नहीं भाई बहन, जो भी हो। अम्मा, हड्डी वाला शैतान। हम क्या करें, पीछे भाग, आगे हड्डी वाला शैतान। ये तो अम्मा का डंडा है। अर्थात अम्मा यहीं कहीं है। चली गई। ये क्या, इधर जाएं या उधर जाएं?
हमारे तो मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है। गुरुजी पहले भी कहाँ कार्य करता था। स्वयं को कह रहे गुरुजी, गुरुजी वो देखिए कंकाल, ये कंकाल यहाँ क्या कर रहा है गुरुजी? पूछ के बताते हैं मूर्ख कहीं का। ये कंकाल हमें दाएं दिशा में जाने को कह रही है। शीघ्र शीघ्र चलते चलिए गुरुजी, चलिए। रुको 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 मूर्खो, ये कंकाल दाई दिशा की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात दाई दिशा में विपदा है, हमें बाई दिशा में जाना है। तो शेर की आवाज, गुरुजी आपने सत्य कहा था, आपके मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है, हमें आपकी नहीं हड्डी की बात माननी चाहिए। भागो। भूख लगी है, हमें 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 मत खाना, हम राजपुरोहित तथा चारे हैं, क्या हुआ, कौन है? ओ ये कंकाल, लाठी पकड़ो, ये कंकाल। हाँ देखो तो कैसी माँ है, लाठी से मिलकर प्रसन्न हो रही है, पुत्र से मिलने की कोई प्रसन्नता नहीं है। चलो क्या बोल रही है, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। अरे सरदार, अरे उधर ले, इधर चलो जल्दी। हाँ सुन, अब उधर चलो, भागो, चलो चलो चलो। ए, बहुत अंधेरा है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरुवार, जैसे आपको यहाँ आना ही पड़ा ना। हमारे गुरुजी यहाँ आए नहीं, लाए गए हैं। चुप 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 पंडित रामकृष्ण, व्यर्थ वार्तालाप करने का समय नहीं है हमारे पास, वो बाघ पीछे पड़ा हुआ है। गुरुवर, वो बाघ नहीं बिल्ली है, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो बाघ है, किंतु आप स्वयं देख लीजिए ना। गुरुजी बाघ, यहाँ कैसे पहुंच गया? ये तो बाघ है, ये भाग बिल्ली की तरह क्यों धार रहा है? अरे लगता है ये बेचारा भी हमारी तरह यहाँ फंस गया है और भय के मारे बाघ से बिल्ली बन गया है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ पंडित रामकृष्ण, बोलो बोलो बोलो, हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए हमें, बोलो। अति मत बन लामा, वाणी बिल्ली के मुँह से निकली लेकिन है तो बागी ना, वो भी भूखा। अब भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है गुंडप्पे, अब हम सबको निडर होके एक साथ मिलके पूरी शक्ति के साथ बाघ पर हमला करना होगा। नहीं, भागना होगा। जब मैं बोलूं मेरे साथ भाग लेना, भागो भागो। अरे हमें एकाकी छोड़कर कहां चले गए? चिंता का विषय नहीं है महामंत्री जी,
हम जाते हैं भीतर और सभी को सुरक्षित बाहर लेकर आते हैं। गुरुवर, 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 चिंतित ना हो, उसकी ध्वनि कहीं दूर से आ रही है। तो हम यहाँ रुक क्यों गए? क्योंकि मैंने यहीं तक का मार्ग ढूंढा था। अल्लाह तो फिर बच गए। प्रतीत होता है उस बाग का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है, तभी तो इतनी तीव्र ध्वनि से वो दहाड़ रहा है। कुछ कीजिए पंडित रामा कृष्णा, कुछ कीजिए, कीजिए पंडित रामा कृष्णा। ओ चुप चुप, ऐसे भाई के मारे शोर मचाते रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, सोचने दीजिए। सोची 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 सोची। मैं लाठी दो, ये पकड़िए। क्यों? अरे पकड़िए ना। क्या ये देखिए, इन्हें कुछ करने को कहा तो मूर्खता करने लगी। क्या कर रहे पंडित रामकृष्णा, छत पर डंडे क्यों मार रहे हो? ओ अच्छा, ये वायु का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है, तो हमें उत्तर दिशा की ओर बढ़ना है। आओ आओ। कहाँ चले गुरुवर? गुरुजी कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं, हमें उत्तर नहीं दक्षिण दिशा की ओर भागना है। मानने की बात मान लीजिए गुरुजी। हाँ। दक्षिण दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर क्यों? गुरुवर वायु का प्रवाह दक्षिण दिशा से आया है, इसलिए बाहर जाने का मार्ग और द्वार अवश्य वहीं होगा। उधर चलिए दक्षिण दिशा में। अच्छा चलिए। हाँ, चलो दीजिए। चलो 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 चलो। अरे भगवान, ये बाघ हमारे पीछे क्यों पड़ा है? अरे रुको,